विश्व पर्यावरण दिवस पर राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रिंसिपल संदीप अवस्थी ने बताया कि पर्यावरण के महत्व एवं पर्यावरण को बचाने के लिए बीएससी नर्सिंग विद्यार्थियों को अच्छी आदतें सीखने के लिए प्रेरित किया, जैसे बिजली एवं पानी का दुरुपयोग रोकें, कहा साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे एवं अपने जन्मदिवस के अवसर पर पौधे लगाने एवं उसकी नियमित देखभाल का संकल्प लें। बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हो रही ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियों का तापमान जो लगभग 10 साल पहले 44-45 डिग्री सेल्सियस रहता था, इस साल लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। साथ ही कागज का दुरुपयोग व टिश्यू पेपर का उपयोग ना करके हम पेड़ों को काटने से बचाने में सहयोग दे सकते हैं। जो विद्यार्थी अपने वाहन से आते हैं वे कोशिश करें कि साइकिल का प्रयोग करें। इस अवसर पर नर्सिंग ट्यूटर आदित्य मंगलम ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम के अंत में सामान्य चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज में फलदार पौधे का पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, उप नियंत्रक डॉक्टर विजय चौधरी, मेट्रन सुरेश शर्मा एवं मुकेश शर्मा, नरेंद्र अरोड़ा, भारती एवं नर्सिंग विद्यार्थी उपस्थित रहे, पौधारोपण में काफी सहयोग किया। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर जो जिला अस्पताल के अंदर नर्सिंग कॉलेज है उसके अंदर एक वृक्षारोपण किया गया और फलदार वृक्ष जैसे लगाए गए, आम के वृक्ष लगाए और जो दूसरे और पौधे थे उनके भी ट्री गार्ड्स लगाए गए, जिससे कि बंदरों से और जानवरों से बचाया जा सके। कॉलेज के अंदर एक कार्यशाला आयोजन किया गया जिसमें कि बच्चों ने और टीचर्स ने इसमें अपना अपना वर्जन रखा और प्रिंसिपल संदीप अवस्थी जी ने उसमें बताया कि किस तरीके से हम लोग परेशान हो रहे हैं। पहले 40-45 डिग्री गर्मियों में टेम्परेचर आ करता था, आज 50 को भी क्रॉस कर जाता है, तो इससे कितनी बीमारियां हो जाती हैं और हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, किसी के जन्मदिन पे, शादी के उपलक्ष्य में, बच्चा पैदा होने के उपलक्ष्य में वृक्ष लगाएं, जिससे कि वृक्ष की संख्या बढ़े और पर्यावरण प्रदूषण जो वायु प्रदूषण है उससे भी हमको निजात मिल सकती है। और कम से कम सप्ताह में 2 या 3 दिन हम साइकिल का या पैदल चलने का उपयोग करें, यानी कि हम संसाधन ही उपयोग करें। सर, कितने पेड़ लगाए गए आज यहाँ पर? आज 3 पेड़ लगाए हैं और इसमें अभी भी कार्य जारी है, तो और भी लगाया जा सकता है।